आपको बता दें, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर से इस समय की बड़ी खबर, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है तस्कर के खिलाफ। क्राइम ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई हुई है फलौदी में। सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर की टीम की कार्रवाई, 3 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई है। एक तस्कर को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पीएचक्यू की सीआईडी क्राइम ब्रांच टीम ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें, कार में स्मैक छुपाकर यह तस्करी कर रहा था व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देशन में जयपुर से टीम भेजी गई थी। डीआईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया। तो इस समय की बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, जो कि जोधपुर से आ रही है। क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई, जिसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जोधपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण हर्ष। अरुण, क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई जिसमें एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? सौरभ, मैं बताना चाहूंगा, कल ही जिस तरह से सच वेदरक ने खुलासा किया था कि पश्चिम राजस्थान की सीमा पर जिस तरह से नशीले पदार्थ आ रहे हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, और आज जिस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही, तो ये कह सकते हैं सच वेदरक की कब्र पर मोहर लगी है। करीब 3 करोड़ की ये स्मैक है जो बरामद की है, और स्पेशल टीम जो है सीआईडी की पीएचक्यू से भेजी गई थी जोधपुर और फलौदी के बैंक की गांव में ये कार्रवाई की गई है। और एक तस्कर को इन्होंने दस्तियाब कर लिया है, उससे पूछताछ करके उसके पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास कर रही है। आगे टीमें और भेजी गई है ताकि ये पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन से लोग इसके साथ जुड़े थे, क्योंकि इतनी बड़ी कंसाइन जो लेके आना, 3 करोड़ की स्मैक बहुत बड़ी स्मैक होती है, और उसको बांटने के लिए उसके कौन से कोरियर थे, कौन लोग उसके साथ लेकर आए थे, तो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। और फिलहाल इस मामले की FIR है जो दर्ज की जा रही है। ऐसे में अरुण, अभी तक क्या पता चला है जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो लोकल ही व्यक्ति है या कहीं से बाहर से आया था तस्करी करने? अगर बात की जाए इस व्यक्ति की, तो इस व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है कि बरकतुल्ला खान है, और मोहम्मद खान का लड़का बताया जा रहा है, स्थानीय व्यक्ति है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण इस तमाम जानकारी के लिए।